नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज दिन है सोमवार का, मंडे है आज, और यहाँ पे टाइम बज चुके हैं चार बज के 5 मिनट हो गए पूरे। और जैसे कि आप देख रहे होंगे आज बच्चे सारे खुश हैं और ये हो गए हैं सारे तैयार, और इधर कृष्णा भी हो गए हैं तैयार। कृष्णा का स्टाइल देखो कैसा है, ठीक है। इधर कन्हैया की भी आज नई लुक देखो, आज कन्हैया भी बिल्कुल नई स्टाइल में है। और इधर भाभी जी ने भी पहन रखा है नया सूट नायरा कट, और वो रही क्या नाम, ये क्यूटी प्यूटी सी फ्रूटी सी रोटी सी है ना। तो सारे तैयार हैं जी। और स्पेशल मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि हमें कहीं जाना है, आप लोगों की सपोर्ट से आज वो टाइम आ चुका है कि बड़े दिन से जो 2 साल से हम इंतजार कर रहे थे आज वो चीज लेने का मौका आ गया है। तो इसीलिए सारे तैयार हो रहे हैं, गुड्डू भी तैयार है, जाके ही पता लगेगा। तो इसने मना कर दी, नहीं मैं बताने वाला था, जाके ही पता लगेगा, नहीं बताएंगे ना। और मैं बता दूं ये जो मेन चीज है, कृष्णा का बर्थडे है 28 तारीख को, तो इसके बर्थडे का ही ये गिफ्ट होगा ये, क्योंकि पूरा साल होगा इसने जान खाई हुई है कि पापा मुझे ये लेना, डैडी मुझे ये लेना, पापा मुझे ये लेना। कितने मुझे एक दिन आके कह रहा वो डैडी, मैं कहा इतने सारे पैसे दे दो, मैं क्या करना, कह रही पापा नु कह रहे डैडी से पैसे लेकर आ, फिर कुछ लेकर आएंगे तेरे लिए गिफ्ट। और इधर हो गए हैं सारे तैयार जी, और अब चलते हैं और लो कर लो बात आप थोड़ी सी। तो जी जैसा कि आपको भैया ने बताया कि हम सब तैयार हैं और चलने के लिए रेडी हैं, और क्या लाना है अगर भगवान की कृपा होगी, आप सबका आशीर्वाद तो है ही साथ में, तो आज कुछ सोच रहे हैं करना, वो आपको वही जाकर पता चलेगा। और उसके लिए तो हम सब तो है ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड, सारे के सारे, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और पल पल से हम उस चीज का इंतजार कर रहे थे, बस वही है, जब तक समय नहीं आता कुछ काम नहीं होता। और बाप बेटे ज्यादा है, गुड्डू के पापा और कृष्णा, ये इनकी ज्यादा है वो, और गुड्डू, ये तीन मेंबर हमारे घर के, ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड है उस चीज के लिए। जरूरत तो हमें भी, ऐसा नहीं की हमें नहीं है, लेकिन तीन बंदों का वो सपना है हमारे घर में सबसे बड़ा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है यो। और जब यो हो जाएगा पूरा, जब ये मुझे शांति होगी, संतुष्टि होगी। सही बात है। और इंदु भी तैयार थी, लेकिन उसके कहने की थोड़ी सी तबीयत, आज सुबह से ही डाउन है वो ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहने लगी कि कोई नहीं मैं रेस्ट करूंगी और आप जाओ। उसको भी बोला कि चल, वो कह रही कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाए कभी, फिर टाइम भी लगेगा हम जहाँ पे जाएंगे इस वजह से, तो वो नहीं जा रही, लेकिन हम उसे मिस करेंगे वहां जाकर बहुत, कि अगर वो होती तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। तो बस आज हमारा कैसा ना कैसा बना प्रोग्राम जाने का, तो फिर हमने सोचा चलो बच्चे साथ है तो सब चलते हैं, और जल्दी है बस सब तैयार है, देखिए ठीक है, मैं दे रही इसी में ही है। एक सवारी हमारी तैयार है, ये देखिए 5 सदस्य उस पर चले गए एक सवारी पे, बस गाड़ी का काम थी, स्कूटी कर रही हमारी। और अब हम रह गए 4 सदस्य, अब हम कैसे जाएंगे, चार लोग चार आ जाएंगे हम बाइक पे, हम 5 आ जाते हैं बेटे, तो हम थारा तो कुछ कहना ही नहीं है, चाचू और पापा नहीं आए, वे पीछे हैं अभी, वे स्कूटी से आएंगे दोनों, तो बच्चों को लेके मैं और कन्हैया आ गए, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और दिखा दूँ आपको, यहाँ पे जाना हमें, आप समझ के होंगे वैसे तो देख के, लेकिन चलो मैं आगे देख, इसके चाचू भी और पापा भी आगे भी जाके सबसे पहले गए, तो हमारे सब पहले पहुँच गए, हमने सोचा अभी पहले आगे, तो यार देखिए तो आगे चले गए थे वापस आए मुड़ के चाचू है। मैं वो सोच रहा था मैं ऑटो वाला आगे लेकर निकल। अच्छा, तो यार देखिए जी हम पहुंच गए हैं गाड़ी के शोरूम में, और हमें लेनी है गाड़ी, और आप सब भी बोल रहे थे कि गाड़ी ले लो, तो शायद आज वो दिन आ गया है, पूरा होने वाला है कि गाड़ी ले ले, काफी दिन से हम भी सोच रहे थे, लेकिन देखो
टाइम भी लगता है इन चीजों को लेने में, बजट भी देखना पड़ता है, सारा कुछ ही है, हिसाब किताब देखना सारा पड़ता है। तो शायद प्रोग्राम तो हम काफी दिन से बना रहे थे कि लेंगे, और जरूरत तो आपको पता ही है कितनी है हमें। तो बस यहाँ पे आज हम गाड़ी देखने आ गए हैं, और गाड़ी हमें ये तो पक्का है कि हमें बड़ी गाड़ी लेनी, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी लेंगे। तो यहाँ पे महिंद्रा के शोरूम में आए हैं हम, और यहाँ बस देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा गाड़ी नहीं है, मतलब 2-3 ही है, और बाकी इनका जो शोरूम है वो चंडीगढ़ में भी है, पंचकुला में भी है। तो वे बोल रहे थे कि ये देख लो, वरना तो फिर वहां पे चलेंगे पंचकुला में, और वहां पे देख लेंगे दूसरी अगर कोई और हमें पसंद आए है। तो यहाँ पे ब्लोरो देख रहे हैं पहले, वो किसी भी नहीं मिलेंगे आपको। पता क्या होता है, ऐसे 20-25 किलोमीटर जो गाड़ी उसकी चली होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, फिर मान लो ट्राले यहाँ तक तो आते नहीं है, चंडी मंदिर आए रुपये का या पंचकुला रुपये का स्टॉक, वहाँ से गाड़ी बाई रोड ही आती है, अच्छी लग रही। ये इससे अलग है, ये वाली अलग है इससे, इसका मॉडल तो अच्छा यार, नए मॉडल वाली। अच्छा ये न्यू मॉडल आया जो इसका, वो वाला गुड्डू कौन से अच्छी, अब कंफ्यूज होगी। मुझे तो ये ज्यादा अच्छी लगी ब्लैक वाली। आगे यहाँ पे छेड़ मत उसको पागल, और अब ये दूसरा मॉडल है ब्लोरो का ही जो नया आया है, तो ये भी चेक कर रहे हैं, देखते हैं। अभी देखिए मैं आपको एकदम फाइनल नहीं बताऊंगी कि ले रहे, सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ देखिए जी गाड़ी डिसाइड कर रहे कौन सी लेनी, तो सबको तो ये वाली पसंद आ रही ब्लैक वाली ब्लोरो, और कृष्णा को आ रही ये वाली। कृष्णा अभी इस पे ही अटा हुआ कि मुझे यही चाहिए। देखो हम सारे बच्चों की, मतलब सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं, मम्मा की और दीदी की भी, इसको ही वोट है, और बस नाजुक से छोटे से बच्चे को इसका वोट है। बताओ किसकी माननी चाहिए। कृष्णा का मन इसी पर, क्योंकि जो उसे पसंद है वो पहले से ये वाली पहना, ब्लैक वाली। कोशिश कर ली समझाने की कि इसमें गुलजार के गाने चलते हैं, इसमें नहीं चलते, इसमें टीवी है, इसमें नहीं है। तो अभी उसे उसमें बिठा लेंगे ना, उसमें बिठाओ तो उसे उसका पता लगेगा कि ये भी अच्छी है। तो हाँ, तो मैं ये ब्लैक वाली ज्यादा पसंद आ रही, व्हाइट वाली हमारे पास थी, सेम यही मॉडल था पहले हमारे पास, बट अब नहीं है। तो हम सोच रहे कुछ नए की तरफ जाते हुए, वो बैठ गया ना उसमें, कुछ आ जाएगी जब वो अपनी हो जाएगी, कुछ सेम तो नहीं है बस। पहले हमारे पास ये था मॉडल, ये वाला, तो बस थोड़े दिन ही चलाई थी, मान लिया। देख चलती तीनों की, देखो खुशी का ठिकाना नहीं, और वो चौथी तुझे नहीं कोई मतलब है, वो बेचारी अपना हुआ बैठी। तो हमारा तो वोट अभी यही है, अभी ट्राई लेके देखेंगे कौन सी फाइनल करेंगे, कैसे कैसे अभी सारा ही देखना, यही है। और ये भी अच्छी बस ये है कि हमने इसको देख ली पहले, और ये वाली भी अच्छी लग रही मुझे तो, लेकिन बच्चों को ब्लोरो ही पसंद है। आपको एक बात बताओ, मम्मी पापा को ना इसको ये ज्यादा पसंद है, पर पापा सबकी मान रहे हैं। नहीं इस बार पापा को भी वो नया मॉडल है ना, तो मैं कह रही बेटे बस जो मन को पसंद आ जाए वही अच्छी लगे। उनके पास भी ऐसी है, फिर सेम तो नहीं ले सकते ना, जो हमारी पहली थी वो सेम टू सेम ये ले ली, हमने उनसे चीटिंग कर ली, तो हमने जो हमारी थी ना पहले यही थी।
यहाँ पे हम ट्राई भी लेंगे इसकी, मतलब देखेंगे, और पहले यही फाइनल करना कि कौन सी लेनी है, और उसी के हिसाब से हमें अपनी पॉकेट भी देखनी है कि हमारा कितना बजट है, कैसा है, तो सारा कुछ ही सोच के चलना पड़ता है। और बस अभी देखते हैं कैसे कैसे, तो तीनों भाई बैठे हैं, वे अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं, और मैं बच्चों को लेके बैठी हूँ साइड। तो यहाँ हमारी कोल्ड ड्रिंक चल रही है, और इधर देखिए इनका अपना वही जो इनका मेन्यू होता है वो हमें समझा रहे हैं, और गाड़ी की क्वालिटी वगैरह भी बता रहे हैं सारी की, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसा हमारा कंफर्म नहीं है कि हमें कौन सी लेनी है, तो देखते हैं। वैसे तो मैं बताऊं अगर आपको ब्लोरो हमें लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी है वो नहीं पता, क्योंकि गुड्डू के पापा को ब्लोरो गाड़ी बहुत पसंद है। अभी उनका चल रहा है हिसाब किताब, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, और बच्चे शोर मचाने लगे कि भूख लग रही, और इनको मैं लेके आ गई वाली बगैर आइसक्रीम हुआ, तो सुजुकी की स्कूटी की है वो, तो देखते हैं कहाँ पे क्या दिलवाऊंगी ना, आइसक्रीम तो खानी बैठा, दुकान देखूंगी आगे है क्या, देखते हैं चल उधर जी। यहाँ तो कोई आसपास मुझे दुकान मिली नहीं, खुली हुई, सब बंद है, खाने का सामान कहीं नहीं मिला, दूर जाना पड़ा, फिर रोड है, बच्चों को लेके मैं जा नहीं सकती, तो देखती हूँ क्या होता है, या फिर चलेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ फिर हम शोरूम से आ गए थे सीधा इंदु के पास, क्योंकि इंदु की थी तबीयत खराब, मैं कहा चलो साथ साथ इसको भी देखते जाएंगे, और घर से मेरे से तो निकल आया नहीं जाता, और मैं पहले सोच रही थी फिर हम वहाँ पे चले गए, तो मैं कहा चलो बाहर तो आए हुए, फिर यहाँ पे भी इसको भी देखते जाएंगे। और इधर फिर इंदु ने बना दी थी चाय, तो यहाँ पे हमारी चाय चल रही है, और बिस्किट भी, और बच्चों के लिए मुझे सामान भी लेना था स्कूल में ले जाने का, तो वो भी ले लूंगी इधर। तो जी हम आ गए हैं घर, और 8 ही बज गए, 4-5 घंटे हमारे लग गए बाहर ही, और जिस काम के लिए गए थे हम वो हमारा हुआ नहीं, बस आज यही समझ लो कि समय नहीं आया अभी उस चीज का। देखते हैं आगे, कोशिश करेंगे क्या करना क्या नहीं अभी सोचेंगे, और तो कुछ मैं कहूंगी नहीं इस बारे में कुछ। 20,000 पे बात बनी नहीं, 20,000 वो थी बस कुछ है, जैसा मोल भाव कर रहे थे ना वासी, तो वासी में अड़ गए, वे अपने बढ़ गए अपने पे, तो बस वासी नहीं, 10-20 कुछ नहीं, उनकी भी मजबूरी भाई। हम सोच रहे थे मगर ये टूट जाएगा, तो देखते हैं आगे कोशिश करेंगे, बस यही समझा हमने कि अभी समय नहीं आया, तो समय आ जाएगा तभी होगा वो काम। और जैसा हमने 3 गाड़ी देखी वहाँ आपको दिखाई मैंने वीडियो में, आप भी कमेंट करके बताना कि कौन सी ठीक है, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक बुलेरो न्यू थी N10, और तीसरी थी XUV 300 ही बोला जा बेटा, उसे थ्री डबल ओ कह लो भाई। तो उनमें से कौन सी हमें, हमारी अभी कंफर्म नहीं हुई, लेनी तो खैर है, लगभग है 50,000 रुपए ऊपर नीचे है। तो कौन सी है अगर आपके पास है, कैसा रिजल्ट है, तो कमेंट करके आप जरूर बताना, जिससे कि हमें और भी ज्यादा मतलब हम डिसाइड करने में ठीक रहे, मतलब हमें वो मिल जा, आइडिया मिल जाएगा। अच्छा बुलेरो माने पहले भी थी, बुलेरो मेरी पसंद है। हाँ बुलेरो पहले भी थी, जब इस हुई तब ली थी हमने, 3-4 साल रही, दिखा 3 साल ज्यादा नहीं रही, 2-3 साल रही, ज्यादा नहीं रही, तो बस किसी कारण तो देनी पड़ी। तो भगवान ने दोबारा ले लो। तो जी देखो समय जब आएगा जब जरूर लेंगे, देखते हैं कब, आप भी दुआ करो कि जल्दी जल्दी ले लें, और जरूरत तो आपको पता ही है कितनी है, हमें बहुत जरूरत है उसकी, तो खैर वो बात होगी। अब फिर मैं बच्चों के लिए लेने चली गई थी बाजार में सामान, और बच्चों का कल है, क्या है तुम्हारा, सुकृति इनका कैंप है, सुकृति कैंप है, तो 1 हफ्ते का चलेगा, उसके लिए इतना सामान बता रखा मैडम ने, इतना बता रखा, इतना छोटा छोटा वो इकट्ठा करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया, और वो तो चल लिया ही वो सुबह को, इसका अभी बैग पैक करना इशू का, मुझे सारा गुड्डू का नहीं है, इशू का, पीयू का, रूई का और कृष्णा का, चारों का है, तो उनका भी लिया सामान वहां पे, और इशू का भी, तो वो तो सारा अलग रखा थैले में,
और यहाँ इसु के लेके आई हूँ व्हाइट शूज, क्योंकि जो इसके शूज है वे छोटे हो गए, पता नहीं कैसे जैसा धोते हैं और भी ज्यादा सुकड़ जाते हैं, तो ये शूज ले आई मैं। और सॉक्स में जो इसकी ड्रेस के साथ आई थी थोड़ी सिंथेटिक सी थी तो वो चुभ रही थी, इस बार मैं दूसरे वाली लेके आई इसके लिए। तो बस अब मैं बनाऊंगी पहले खाना, फिर इसु की पैकिंग करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा है। तू क्यों बैठ गई वहां, इसे देखो कैसा बैठ गई, पेट दर्द हो ऐसा ही हो जा रहा है। फिर पानी कितना पिया आज? तो जी खैर चलो मैं इसे देखती हूँ और खाना बनाती हूँ और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।